लखीमपुर खीरी के थाना हैदराबाद के अंतर्गत ग्राम दतेली में कुछ दिन पहले हुई कोकचे की घटना पर पुलिस द्वारा कुछ लोगों को थाने में लाया गया था। उसके बाद हिंदू युवा वाहिनी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सुबह पता चला कि सपा नेता बारिश अली द्वारा थाने का घेराव करने की धमकी दी गई है, जिस पर हिंदू युवा वाहिनी के जिला प्रभारी विपिन मिश्रा के नेतृत्व में हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता और भाजपा मंडल अध्यक्ष कुंभी रविंद्र कटियार, मैलानी मंडल अध्यक्ष कुलदीप वर्मा, गोला मंडल अध्यक्ष शत्रुघ्न मिश्रा ने थाने पहुंचकर पुलिस प्रशासन से वार्ता की। 24 घंटे में गोकशी करने वाले विधर्मियों की गिरफ्तारी कर कार्यवाही की मांग की गई है। साथ ही जिला प्रभारी ने कहा कि अगर कोई भी इन विधर्मियों को छुड़ाने के लिए थाने का घेराव करने की धमकी देगा तो उसे बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही हिंदू समाज से अपील भी की कि संगठित होकर ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज उठाएं। हिंदू युवा वाहिनी बिल्कुल भी हिंदू उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं करेगा। आज जो आप लोग यहाँ पे थाना हैदराबाद में आए हुए हैं, और थाना हैदराबाद का जो घेराव किया, किस कारण किया है आप लोगों ने? हम लोगों ने यहाँ पर कोई घेराव नहीं किया है जी। यहाँ पर दतेली गांव पड़ता है इसी थाना हैदराबाद के अंतर्गत जी। वहाँ पर कुछ दिन पहले गोकशी की घटना हुई जी। पुलिस की तरफ से मुकदमा लिखा गया था जी, और एक मुलजिम को पुलिस के द्वारा यहाँ पर पूछताछ के लिए या किस लिए बुलाया गया था, उसको बुलाया गया था जी। उसके बाद आज सुबह पेपर में निकला कि यहाँ समाजवादी पार्टी के नेता वारिस अली ने थाने का घेराव करने की धमकी देकर उस व्यक्ति को छुड़वा लिया है। अच्छा, जिसको पुलिस वालों ने पकड़ा था उसको छुड़वा लिया है जी। इसकी सूचना जब हिंदू वाहिनी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मिली जी, तो हिंदू वाहिनी के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी मैलानी मंडल, कुंभी मंडल और नगर गोला के मंडल अध्यक्ष जी भी आए हुए हैं। हम लोगों की ऐसे एक मांग है कि जो गोकशी करने वाले कसाई हैं, इनकी 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी हो, और समाजवादी पार्टी के नेता वारिस अली ने मीडिया में ये खबर निकलवा कर साबित कर दिया है कि इन कसाईयों का संरक्षण समाजवादी पार्टी के कठमुल्ले दे रहे हैं, और इन कठमुल्लों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो गोकशी करने वाले कसाईयों को संरक्षण दे रहे हैं। इस तरीके की मांग हम लोग यहाँ पर करने प्रशासन से आए हैं, और प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि 24 घंटे के अंदर इन कसाईयों की गिरफ्तारी करवाएंगे। हिंदू युवा वाहिनी किसी भी प्रकार के हिंदू उत्पीड़न को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी, ऐसे विधर्मियों पर निरंतर कार्रवाई कराती है और आगे भी कराती रहेगी। सर, आप कौन से पद पर हैं हिंदू वाहिनी में? अब हिंदू युवा वाहिनी लखीमपुर जनपद के जिले के प्रभारी हैं जी। सभी कार्यकर्ता के रूप में हम लोग काम करते हैं। हमारा उद्देश्य है कि ऐसे विधर्मियों को पर कार्रवाई करवाना, और हिंदू उत्पीड़न की घटना में हिंदुओं के साथ। ठीक है।